हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। इधर कुंदन और इधर मैं। तो परफॉर्मेंस टेस्ट जिसका होने वाला है ना, वो ये है, अवेंजर 220 क्रूज वर्सेस रॉयल एनफील्ड बुलेट 350, जिसे आप क्लासिक के नाम से भी जानते हैं। बुलेट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बुलेट के नाम से ही फेमस है। लोग इसे बुलेट कह के ही खरीदते हैं आज भी, कोई क्लासिक खरीद कह के नहीं खरीदता। सो इन दोनों बाइकों का परफॉर्मेंस टेस्ट होने वाला है। इन दोनों के स्पेक्स मैं डिस्प्ले पे ऐड कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप चेक कर लो। सो बहुत ही मज़ेदार कंटेंट होने वाला है ये आपके लिए। बाल वाल थोड़े से ख़राब हैं तो थोड़ा सा झेल लेना, बाकी देखते हैं कि कौन सी बाइक विनर है। दोनों क्रूज़ बाइक हैं, दोनों क्रूजिंग के लिए यूज़ होती हैं और दोनों रेस के लिए नहीं बनाई गई हैं, फिर भी हम एक परफॉर्मेंस लेंगे, क्योंकि क्या कहते हो? लेना चाहिए भाई, बनता है। आज है मेरे पास अवेंजर 220 क्रूज। पहली बार मैं क्रूज से ये टास्क परफॉर्म करने जा रहा हूँ और इसकी जो अभी तक ये चली है 104 किलोमीटर चली है। जब ये बुलेट आई थी तब भी ये 103 किलोमीटर चली थी और ये भी 104 किलोमीटर चली है। भाई बहुत लोग बोलेंगे ब्रेकिंग में चला रहे हो ये। हम लोग ऐसे ही ब्रेकिंग करते हैं। मैं आज तक किसी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई है और ये सिर्फ मिथ है लोगों का, क्योंकि कंपनी जो टेस्ट करके देती है ना बाइक, तो ऑलरेडी टेस्ट करके देती है आपको, ऐसे नहीं देती है। भाई इवन मेरी जो इंटरसेप्टर है, मैंने 500 किलोमीटर बोला था उसमें, 200 किलोमीटर मैंने इतनी तेज भगाई थी उसको। मैंने अपनी गाड़ी शोरूम से निकाल के टॉप स्पीड पहुंचाई तुरंत। पता नहीं लोग है क्या, ऐसे टॉप स्पीड खुलती है। वही तो, मतलब लोगों को लगता है ये हो जाएगा पिस्टन, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई अगर पिस्टन ये वो हो जाता ना तो मालूम है क्या होता, लोग गाड़ी चलाते ही नहीं। और क्या, अगर इंजन इतना मतलब इजी बनाया होता तो एक दो महीने में इंजन खराब होता। इंजन आपको कंपनी रिफाइन करके देती है, मजे लो बाइक के बस। और पहली बात तो भाई अभी तो वारंटी में चलाओ भाई। भाई पिकअप बहुत अच्छा है इसका। बहुत तेजी से निकल गई। अब क्या कहूँ मैं, कुछ नहीं कह सकता। थोड़ा लंबा रेस केजू साहब, क्या पता निकल जाए। मीटर हिट कर रहा है। मजा आ गया यार। देखा, मैंने कहा था पावर अच्छी है। 130
पे लिमिटर हिट करने लगा था। 130 गई, 130 130 तो गई भी नहीं है, 129 गई थी ये, 130 मतलब वही लगभग 129-30 बट आगे हो गई थी। पावर इनिशियल पंच बहुत अच्छा है भाई, इनिशियल और वो भी तेज है इसका। एक चीज ध्यान रखना, इसमें कुछ नहीं है तुम्हें स्पीड लिमिटर, कुछ भी आरपीएम पर कुछ है ही नहीं कि गियर कहाँ पे शिफ्ट करना है, वही देखना पड़ेगा। बस इंजन की पावर को तुम्हें महसूस करना है। मैं बहुत सोचा हूँ कितने लगाऊं। सो यहाँ पे आपने देखा कि अवेंजर आगे थी, काफी आगे थी, मतलब थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लिया था और बहुत ही मजेदार, बहुत स्मूथ भाग रही। मतलब पुरानी वाली अवेंजर चला के मुझे उतना मजा नहीं आया था, थोड़ा नहीं गैप किया था, अच्छा खासा गैप किया। हाँ, पुरानी अवेंजर चला के मुझे इतना अच्छा मजा नहीं आता था, मतलब काफी रिफाइनमेंट महसूस हुई मुझे इस बाइक में और बहुत ही स्मूथ थी, कोई वाइब्रेशन नहीं फील हुए बिल्कुल इतनी स्पीड पे भी होने के बावजूद। और विंड ब्लास्ट के लिए जो लगा हुआ है शील्ड ना, बहुत मतलब नीचे इसके हो जाओ आपको हवा लगनी ही नहीं है बिल्कुल। सो अभी राइडर स्विच करेंगे और कुंदन ये चलाएंगे, मैं चलाऊंगा ये और फिर देखते हैं कौन सी जीतती है। यह तैरेंगे एकदम, ऐसा लगेगा ना अवेंजर पे एकदम मस्त है वैसे क्रूजिंग के लिए। एक्चुअली दोनों की बाइकों में क्या है, इसका इनिशियल बहुत अच्छा है इससे, तो लास्ट में जाके एक जो गैप है वो मेंटेन कर ले रही है। टॉप एंड में दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो हम एक रेस और करते हैं। इस बार क्या करते हैं, दोनों 100 की स्पीड से शुरू करते हैं, 100 पे साथ में रहते हैं फिर। ऐसा क्या? हाँ चलो किया जाए। चलो देगा, मतलब टॉप स्पीड में बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है, बट जैसा मैं फील कर रहा था ये एयर प्रेशर बहुत अच्छे से काट रही है इसके कंपेयर में, तो क्योंकि मैं स्प्लिट स्विमिंग यूज़ कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं आ रहा था बहुत
बहुत ज़्यादा हवा लग रही थी मुझे, बहुत ही विंड ब्लास्ट लग रहा था जो इसमें फील नहीं होता है विंडशील्ड की वजह से। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि अवेंजर जो था उसका इनिशियल पंच और हर गियर में जो पंच है वो ज़्यादा बेटर है आरी के कंपेयर में। विनर वही थी बट बहुत ही टॉप एंड में दोनों क्लोज रही, आपने जैसा कि देखा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बहुत माइनर सा डिफरेंस था। सो आप लोगों के लिए मज़ेदार रेस हम लेके आए और इसीलिए लेके आए ताकि आपको पसंद आए, तो पसंद आई है, आई है ना, बहुत आई है भाई। तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसी लगी और आइडियाज़ दिया करो हमें कमेंट करके कि हम क्या करें आगे। तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, भूलना नहीं, वहाँ भाई की फ़ोटोज़ आती तगड़ी तगड़ी, लाइक करो फॉलो करो। तो एक बहुत ही ज़रूरी सूचना कि आप लोग ये सब परफॉर्म मत करो, हम लोग खाली रोड पर आते हैं, आप देख लो कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पर। सो और हम लोग सीधी भगाते हैं तो किसी दूसरे को हार्म ना हो, ये भी कोशिश करते हैं हमारी वजह से। सो आप लोग ये बिल्कुल परफॉर्म ना करो और सेफ्टी गियर्स पहन के चलो, हेलमेट इज़ कंपलसरी गाइस, आपका सिर बचा रहेगा ना तो सब कुछ है। हेलमेट ज़रूर पहनो राइड करने से पहले, कोई भी बाइक चलाने से पहले ना पहले हेलमेट पकड़ो, ठीक है। और ज्ञान ज़्यादा हो गया लेकिन फॉलो करो और मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। बाय बाय।